भाई साहब, जैसे कि मैंने कल के टू नाइट अपडेट के अंदर आपको मैंने बता दिया था कि ये स्काई विंग जल्दी आएगा, और फाइनली यहाँ पे मेरा अपडेट सही निकला। और इसी के साथ साथ में यहाँ पे आपको बता दूं, ये स्काई विंग कैसे आप कम टाइम में निकाल सकते हो वो ट्रिक भी आपको बताऊंगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दिल से अच्छा लगता है। आप लोग यार वीडियो देख के चले तो दिल से बुरा लगता है, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। एमआरके की तरफ से एमआरके न्यूज में आपका ओपी वाला वेलकम। तो भाई साहब, यहाँ पे हमारे गेम के अंदर एक मोको स्टोर इवेंट आया हुआ है, और ये मोको स्टोर के अंदर आपको दो रिवॉर्ड देखने मिल रहा है। एक तो यहाँ पे स्काई विंग देखने मिल रहा है ड्रैगन की, और यहाँ पे बोया वाला बलून इमोट देखने मिल रहा है। अगर आप बात करोगे ये इमोट की, ये इमोट लगभग एक साल पहले का है और अब जाके दे रहा है। तो देख सकते हो ये इमोट काफी ओपी इमोट है, लेकिन ये पिछले बोया इवेंट में आना था, लेकिन ये बार बोया इवेंट खत्म होने के बाद आ रहा है। मतलब यार कतई जेरो वाला। तो चलो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे ड्रैगन की स्किन, और यहाँ बोनस प्राइज में ये वाला इमोट, इसको हम कर लेते हैं कन्फर्म। ठीक है, तो ये कर लेना। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं, ये वीडियो के लिए मैंने गिव अवे दिया है, कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक पे क्लिक करके जल्दी से जाके ले लो। तो चलो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कंफर्म। और यहाँ पे कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको पता ही है, यहाँ पे जो पहली स्पिन होती है वो हमेशा 9 डायमंड की होती है। तो यहाँ पे भी आपको 9 डायमंड की स्पिन देखने मिल रही है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आप ट्रिक लगाओगे वो ध्यान से जरा देख लो। यहाँ पे आप आ जाओ, और सबसे पहले जो आपका कैरेक्टर है, देखो यार यहाँ पे कैरेक्टर लेना तो है कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर जो आप ज्यादा यूज नहीं करते हो, तो ये आप लगा लेना। जैसे कि यहाँ पे दशा मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे क्लियर कैच की बटन है, उस पर क्लिक करके यहाँ पे कंफर्म कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आप लक रॉयल में आ जाओ। लक रॉयल में आने के बाद यहाँ पे आपको गोल्ड रॉयल में आने के बाद 10 की स्पिन कर देना है, और 10 की स्पिन जैसे कोई भी आप करोगे तो भी चलेगा, या चाहे गोल्ड रॉयल में चाहे यहाँ पे डायमंड रॉयल में। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा 10 स्पिन आप कर लेना। तो यहाँ पे मैं गोल्ड में भी कर लिया, अब यहाँ पे डायमंड में भी कर लेता हूँ, तो आप लोग भी इस तरीके से कर लेना। और यहाँ पे मैं वेपन में भी 10 स्पिन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने वेपन में भी कर लिया, और भाई यहाँ पे वेपन निकल गया है मेरा जो कि मेरे पास पहले से था ये। चलो कोई नहीं। और यहाँ पे आपको बता दूं, ये करने के बाद आपको करना क्या है, वापस से अपने इवेंट में आ जाना है। अब इवेंट में आप आओगे तो यहाँ पे हम मोको स्टोर में आने के बाद जो 9 डायमंड की स्पिन है ना, 9 डायमंड की स्पिन पे आपको ना, देखो यार ये मेरा तो पीसी में माउस दिख रहा है, आपको मोबाइल पे करना क्या है, ये जो स्पिन लिखा हुआ है ना इस पे 10 सेकंड के लिए क्लिक करके रखना है। 10 सेकंड, 10 सेकंड इस तरीके से क्लिक करके रखे रहोगे। यहाँ पे होगा क्या, जब 10 सेकंड तक ऐसे क्लिक करके रखोगे 2-3 बार, जो मेन रिवॉर्ड है जैसे कि इमोट और यहाँ पे स्काई विंग, ये निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप इसी तरीके से यहाँ पे स्पिन पे रखे रहो, 10 सेकंड तक का वेट करो, और फिर उसके बाद इसको हटा दो। अगर स्पिन हो जाती तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो फिर यहाँ पे देख लो नहीं हुई है, तो फिर मैं रखूँगा 10 सेकंड। और यहाँ पे इसी तरीके से 10 सेकंड रखने के बाद फिर से आप उंगली हटा लो, अगर नहीं होता है तो तीसरी बार आपको रखते ही आपको थोड़े टाइम में स्पिन कर लेना है। ठीक है, तो ये ट्रिक आप आजमाओ। और वैसे भी ये स्काइविंग अभी यहाँ पे मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि मुझे एक शॉर्ट वीडियो बनाना है, और वो शॉर्ट वीडियो के लिए मुझे ये स्काइविंग रखना है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए हो क्या ट्रिक है। ये ट्रिक आप बार बार आजमाओ।